Hello friends, hi, I'm Shubham and I welcome you all to my channel File My GSTR. We've been trying to educate our viewers about various provisions and various compliances under goods and services tax, and on that note today we are here to discuss the modification in core fields. तो GST पोर्टल पे रिसेंटली एक नया चेंज आया है. अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन के कोर फील्ड्स चेंज करने हैं तो दैट ऑप्शन हैज़ बीन इनेबल्ड एंड विल लुक इन टू द स्क्रीन एंड विल सी कि हाउ यू कैन चेंज द कोर फील्ड्स. सबसे पहले हम सिस्टम में लॉग इन करेंगे तो विल पुट आवर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड द कैप्चा कोड. सो वंस यू लॉग इन टू द सिस्टम यू विल फाइंड योर डैशबोर्ड. And also, you can see we have dashboard services, notifications and circulars, acts and rules, and search taxpayer. तो हम services में जाएंगे. Services के अंदर हम registration के अंदर options देखेंगे. तो यहाँ पे नए options आपको दिखेंगे. New registration है जो पहले नहीं था. Then amendment of registration code field. So this is the option that we are talking about. ये एक नया option आया है जहाँ पे आप changes कर सकते हैं. Also, another option is application to opt for composition levy. तो ये पहले नहीं था, now it has been enabled. अगर आप normal taxpayer हैं और आपको composition में opt करना है तो आप इसमें opt कर सकते हैं. हम amendments of registration of core fields में जाएंगे. तो these are the information जो पहले available नहीं थी, आप इसको पहले change नहीं कर सकते थे. But now you can see this pencil icon which is coming. It means कि you can edit these fields. So basically, अगर आपको अपने details of business चेंज करने हैं, आपको legal name चेंज करना है, trade name चेंज करना है, तो you can see here we have the option available. Similarly for trade name, similarly अगर district आपको चेंज करना है, पहले आप जयपुर में थे, अब let's say राजस्थान में आप किसी दूसरे district में move करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. Name of the state is not editable for the obvious reason कि आपका जो GSTIN होता है उसके first two digits state code होता है, तो definitely आप उसको modify नहीं कर सकते. But other than that, आपको कोई भी core field change करना है, आपको अपना business model change करना है, private limited company से partnership या sole proprietorship में convert करना चाहते हैं तो आप वो भी change कर सकते हैं. तो these are the core fields and आप ये सारी चीजें changes कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आपके प्रमोटर्स हैं, पार्टनर्स हैं, अगर उसमें आप नए प्रमोटर या नए पार्टनर को ऐड करना चाहते हैं तो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल. आप कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल इन कर सकते हैं, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ्रॉम व्हाट स्टेट दे बिलोंग एंड देयर फोटोग्राफ्स. एंड ऑल्सो यहाँ पे आप सब जगह देखेंगे डेट ऑफ अमेंडमेंट मांगी गई है. तो वंस यू फाइल दीज चेंजेस अलॉन्ग विथ डेट ऑफ अमेंडमेंट, आपका जो रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम सच डेट. तो नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ बिजनेसेस. अगर आपका जो करंट बिजनेस प्लेस है आपको उसको चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं. दैट कैन बी इन सेम लोकेलिटी, दैट कैन बी इन डिफरेंट लोकेलिटी, दैट कैन ऑल्सो बी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑल टुगेदर. आप पहले लेट्स से आप पहले बेंगलुरु से ऑपरेट कर रहे थे, नाउ यू वांट टू मूव योर बिजनेस टू मैसूर, सो दैट इज अवेलेबल. तो दोज चेंजेस कैन बी डन हियर. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल विच यू कैन एडिट एंड मॉडिफाई. जी तो एक बार आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चेंज करनी है, जो भी मॉडिफिकेशन आपको करने हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इनको करने के बाद आप डायरेक्ट जो पांच टैब हैं उनमें फर्स्ट था बिजनेस डिटेल्स, सेकंड प्रमोटर एंड पार्टनर डिटेल्स, थर्ड वाज प्लेस ऑफ बिजनेस, फोर्थ वाज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड फाइनल वाज वेरिफिकेशन. तो एक बार जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल इन कर दी है, आप वेरिफिकेशन के टैब पे जाएंगे, आप चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं आई हियर बाय सोमली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन हियर अबव, सो इट्स जस्ट अ डिक्लेरेशन, आई विल नॉट कंप्लीट इट. तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन फाइनली यू कैन सबमिट. एंड आफ्टर दैट सबमिशन योर एप्लीकेशन विल गेट फाइल एंड वंस इट गेट रिव्यूड एंड यू विल रिसीव अ मॉडिफाइड सर्टिफिकेट. नॉन कोर फील्ड्स वी हैव ऑलरेडी सीन, जो एक पूरा एप्लीकेशन था उसमें बहुत सारे नॉन कोर फील्ड्स थे विच वॉज एनी वे अवेलेबल.
तो उसमें कुछ नया नहीं है. अनदर न्यू थिंग विच इज विच वी हैव गॉट इज एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी. आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल सा एक चेकबॉक्स है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना वेरिफिकेशन दे सकते हैं. देन आप ड्रॉप डाउन में से ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करके अपना प्लेस जहाँ से आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन आप इसको ईवीसी के माध्यम से या अगर आप कंपनी हैं तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से इसको सबमिट कर सकते हैं. एंड दैट इज इट. सो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. बहुत सारे बिजनेसेस थे ऐसे जिनको जिन्होंने नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर रजिस्टर कर लिया था बट नाउ दे वर वेटिंग कि कॉम्पोजिशन स्कीम का विंडो कब खुलता है. सो दैट विंडो इज नाउ ओपन एंड यू कैन रजिस्टर एज अ कॉम्पोजिशन डीलर. तो एंड दिस विंडो इज ओपन फॉर अ लिमिटेड पीरियड. तो आपको ये जल्द से जल्द चेंज करना पड़ेगा. एंड सेम इज़ द केस विथ कोर फील्ड्स. कोर फील्ड्स का भी विंडो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन है एंड वंस इट इज़ क्लोज यू विल नॉट बी एबल टू चेंज एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन द मोमेंट आई पब्लिश माई वीडियोज़. एंड पुट योर क्वेरीज इन कमेंट. मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज का आंसर करने का. एंड आपका जो रिस्पॉन्स मुझे मिलता है आई गेट वेरी मच मोटिवेटेड थ्रू दैट. एंड आई वॉन्ट यू टू कीप मोटिवेटिंग मी ताकि मैं और वीडियो ला सकूँ और जो GST कंप्लायंस का एक जर्नी है उसको मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ मेरे सारे व्यूअर्स के लिए. ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी.